वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेस। सुप्रकाश क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, वीडियो आज लंबा होगा, वीडियो में अंत तक बने रहे, आज वीडियो में बहुत मजा आएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दोस्तों, इसमें हम मुख से शुरू करेंगे, क्योंकि पाचन जो है मुख से ही शुरू होता है। तो दोस्तों, मुख के ऊपरी भुजा को क्या कहते हैं? तो तालु कहते हैं। मुख के ऊपरी भुजा को क्या कहते हैं? तालु। अब मुख के नीचे वाली भुजा को क्या कहते हैं? जिहा, जिसे जीभ कहते हैं। मुख के ऊपरी वाली भुजा को तालु कहते हैं, निचली वाली भुजा को जीभ कहते हैं। दोस्तों, जीभ की ऊपरी सतह जो होती है दोस्तों, खुरदरी होती है। जीभ की जो ऊपरी सतह होती है, क्या होती है? खुरदरी होती है। दोस्तों, पहले मुख में देख लेते हैं दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से दांत? इंसिसर, इंसिसर। दूसरा है दोस्तों केनाइन। तीसरा है दोस्तों प्रीमोलर। चौथा है दोस्तों मोलर। इंसिसर दोस्तों, इसका याद करने का ट्रिक है 2 1 2 3। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? कृंतक। इसमें दोस्तों 8 दांत होते हैं। इसे क्या कहते हैं? केनाइन। इसमें 4 होते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रीमोलर। इसमें 8 होते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोलर। इसमें 12 होते हैं। दोस्तों, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए उसमें बच्चों में 20 दांत होते हैं, जो कि दूध के दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इंसिसर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर लार, मुख में क्या पाया जाता है? लार, जो कि दोस्तों क्या होता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में 2 एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन माल्टोज। कौन कौन सा होता है दोस्तों? टाइलिन और दूसरा कौन सा? माल्टोज। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से? टाइलिन, माल्टोज। अब दोस्तों देखते हैं यहां पर क्या पाया जाता है। यहां पर फेरिंग्स होता है दोस्तों, जो कि मुख से भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में। जब मुख से भोजन अमाशय में जाता है तो किस विधि द्वारा जाता है? तो क्रमानुकुंचन विधि द्वारा, क्रमानुकुंचन विधि द्वारा जाता है। दोस्तों, यहां पर क्या होता है? फेनिक्स। तो दोस्तों, जब यहां से भोजन आता है तो क्या होता है? ये खुल जाता है, तो भोजन क्रमकुंचन विधि से आगे चला जाता है। अब जब दोस्तों वायु आती है, जब सांस लेते हैं, तो कौन से खुल जाता है? विंड पाइप। 2 पाइप यहाँ पर होती है। कौन सी? 1 फूड पाइप, 1 विंड पाइप। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर क्या पाई जाती है? कार्डिया वाल्व। यहाँ पर क्या पाई जाती है दोस्तों? कार्डिया वाल्व। जब दोस्तों यहाँ पर भोजन आता है ना, तो अमाशय में यह भोजन जाने के लिए खुल जाता है दोस्तों, अन्यथा जब भोजन नहीं रहता तो ये हमेशा बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक वाल्व पाई जाती है दोस्तों। जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है,
तब भी ये खुल जाता है। यहाँ किस विष से भोजन छुटिया में जाता है, ये भी क्रमान कुंचन विध द्वारा जाता है दोस्तों। तो यहाँ से कौन सी वाल पाई जाती है उसको देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कौन सी वाल पाई जाती है, तो पाइलोरस, जिसे पाइलोरिक भी कहते हैं। पाइलोरी अमाशय में देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों क्या होती है, अमाशय में दोस्तों क्या होती है, इसमें 4000 क्या होती है, 4000 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय क्या होता है दोस्तों, 4000 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या होता है दोस्तों, अमाशय की दीवार में 4000 ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब जठर रस की बात कर लेंगे दोस्तों, जब जठर आ गया है तो जठर रस दो प्रकार की होती है, कौन कौन से, पेप्सिन रेरिन, कौन कौन से दोस्तों, पेप्सिन दूसरा क्या है रेनिन, पहला दोस्तों क्या है पेप्सिन, दूसरा क्या है रेनिन। और दोस्तों इसमें देखते हैं छोटी आंत, ये दोस्तों तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पहला कौन सा है दोस्तों देखते हैं, ड्यूडेनम, पहला कौन सा है दोस्तों ड्यूडेनम, दूसरा कौन सा है जेजुनम, तीसरा कौन सा है दोस्तों इलियम, कौन सा है दोस्तों, पहला जेजुनम, पहला डेजुनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो जठर ये तीन प्रकार की होती हैं, छोटी आंत में क्या होती हैं, तीन प्रकार की पाई जाती हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों बड़ी आंत, ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको क्या कहते हैं, सीकम कोलन रेक्टम। दोस्तों रेक्टम जो होती है यहां पर पाई जाती है, दोस्तों यहां पर एनस पाई जाती है, यहां पर क्या पाई जाती है दोस्तों, एनस। और दोस्तों यहां पर कोलन, सीकम यहां देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या पाई जाती है, सीकम कोलन रेक्टम। और दोस्तों यहाँ जिसे दोस्तों क्या होता है, इसे गुदा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर रेक्टम कहते हैं, जिससे मलाशय बाहर जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों यकृत लीवर, आराम आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। यकृत लीवर, यकृत को क्या कहते हैं दोस्तों, लीवर। और इसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, लीवर, इसको क्या कहते हैं, पित्ताशय। लीवर जो है दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक होता है पित्ताशय, ये इसका निर्माण कहाँ से होता है, पित्ताशय का निर्माण यकृत में होता है दोस्तों, और यह पित्त नलिका के माध्यम से पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है, ठीक है दोस्तों।
पित्ताशय पित्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में और या पित्त नलिका के माध्यम से पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है दोस्तों। दोस्तों अब ये देख लेते हैं ग्रास नली, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं इसोफेगस। ग्रास नली इसे इसोफेगस भी कहते हैं दोस्तों। तो इसकी ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 से 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, कितना होती है 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है दोस्तों। और इसका दोस्तों मोटापा कितना होता है, मोटी कितनी होती है, तो 28 से 30 सेंटीमीटर, 30 28 से कितनी मोटी होगी ग्रास नली, 28 से 30 ये मिलीमीटर में होती है दोस्तों, मिलीमीटर। ग्रास नली लंबी सेंटीमीटर में होती है 22 से 25, हम इसकी मोटाई कितनी होती है 28 से 30 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों क्या देख लेते हैं, यह है क्या है अग्नाशय, क्या है अग्नाशय। अग्नाशय की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इंसुलिन रोग हो जाता है दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग बेस्ट ने की थी। तो अग्नाशय में दोस्तों क्या होता है, तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको कहाँ देखें दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। अग्नाशय में तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला कौन सा, ट्रिप्सिन, दूसरा कौन सा है दोस्तों, एमाइलेज, तीसरा है कौन सा दोस्तों, लाइपेज। ठीक है दोस्तों, क्या पहला ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, किसमें पाया जाता है दोस्तों, अग्नाशय में, तीन प्रकार के एंजाइम। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये पाचन तंत्र का वीडियो जो अभी मैंने पढ़ाया है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों, और कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार भेजना। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।